हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व हो चुका था, तो आज क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 76 को। स्कॉट कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम स्कॉट कनेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्कॉट कनेक्शन कन्वर्ट करता है थ्री फेज सप्लाई टू टू फेज सप्लाई। जहां हमें टू फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है लेकिन हमारे पास थ्री फेज सप्लाई अवेलेबल है, तो हम ट्रांसफार्मर में स्कॉट कनेक्शन यूज़ करते हैं, जिससे कि थ्री फेज सप्लाई टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इस टू फेज सप्लाई में जो वोल्टेजेस होंगे, दो फेज का, एक फेज ए का वोल्टेज वी ए, फेज वी का वोल्टेज वी बी, तो ये दोनों जो वोल्टेज होंगे मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, वी ए एंड वी बी का। दिस इज फेज वोल्टेज। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फेज वोल्टेजेस आर इक्वल, बट फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी, थ्री फेज टू टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर फॉर स्कॉट कनेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। ये कहता है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर आर, ऑप्शन ए मैग्नेटिकली कपल्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली कपल्ड, ऑप्शन सी बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ आर ओनली मैग्नेटिकली कनेक्टेड एंड पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड इज ओनली वाया इंडक्शन। ओके, बट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली। दैट्स वाई पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज वाया इंडक्शन एंड कंडक्शन बोथ। अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। अ 40 केवीए ट्रांसफार्मर हैज कोर लॉस ऑफ 450 वॉट एंड टोटल लॉस ऑफ 800 वॉट। फाइंड द कॉपर लॉस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। गिवन ट्रांसफार्मर इज 40 केवीए, इसका आयरन लॉस पी आई गिवन 450 वॉट, टोटल लॉस गिवन इज 800 वॉट। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉपर लॉस कितना होगा,
800 माइनस 450 यानी कि 350 वॉट, जो कि ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन ए। बट दिस कॉपर लॉस 350 वॉट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पूछा है कॉपर लॉस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी वी नो दैट कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू आयरन लॉस। इन दिस ट्रांसफार्मर आयरन लॉस गिवन इज 450 वॉट, सो कॉपर लॉस इज ऑल्सो 450 वॉट फॉर ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। यदि इस क्वेश्चन में पूछता है कि क्या यह ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ऑपरेट कर रहा है, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन लॉस इज 450 वॉट एंड कॉपर लॉस इज 350 वॉट, बोथ आर नॉट इक्वल एट दिस टाइम। दिस ट्रांसफार्मर इज नॉट ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 पूछता है बकल्स रिले इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बकल्स रिले क्या होता है? दिस इज अ गैस एक्चुएटेड रिले दिस रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट, ऑल इंटरनल फॉल्ट, वेयर लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज आइडेंटिफाइड बाय कलेक्टिंग द सैंपल ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉल्ट। जब ट्रांसफार्मर में कोई भी इंटरनल फॉल्ट हुआ तो उस फॉल्ट के दौरान कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ, CH2 या H2, C2H2 और C3H6 या फिर CO2, कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ, उसके सैंपल को कलेक्ट करने के बाद यहाँ से पता चलता है लोकेशन ऑफ फॉल्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बकल्स रिले है वो गैस के प्रेशर पे ऑपरेट करता है। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एडी करंट लॉस अकरिंग इन अ मटेरियल। पिछले लेक्चर में हमने एडी करंट लॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। तो देखते हैं एडी करंट लॉस का क्या होगा फॉर्मूला। एडी करंट लॉस PE इज इक्वल टू 1 लॉस कोफिशिएंट KE मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी F स्क्वायर इनटू T स्क्वायर इनटू V। यहाँ पर T है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ कोर। ओके, सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन विच लॉ। ऑप्शन ए इज कूलम्स लॉ, ऑप्शन बी फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी एम्पियर्स लॉ एंड ऑप्शन डी इज न्यूटन्स लॉ।
विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 82. द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफॉर्मर इज डेसिपेटेड मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रांसफॉर्मर में जो हीट डेसिपेट होता है उसका कारण क्या है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में होते हैं कोर लॉस एंड कॉपर लॉस. इन दोनों पावर लॉस की वजह से ट्रांसफॉर्मर में हीट डिसिपेट होता है एंड दिस इज डिसिपेटेड बाय कन्वेक्शन मेथड. ओके, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू इसमें हीट डिसिपेट होता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83. अ ट्रांसफॉर्मर चेंजेस एसी टू डीसी और चेंजेस डीसी टू एसी और स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेजेस एंड करंट और ऑप्शन डी इज स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेजेस एंड करंट. तो हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एसी वोल्टेजेस एंड करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसके साथ अब देख लेते हैं बाकी तीन जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में. ऑप्शन ए क्या कहता है? चेंजेस एसी टू डीसी. तो एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए हमारे पास क्या होता है अवेलेबल? रेक्टिफायर. बाय यूजिंग रेक्टिफायर वी कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी. नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज चेंजेस डीसी टू एसी. डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्टर. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेजेस एंड करंट. डीसी वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं चॉपर सर्क्यूट. ओके, इसमें भी दो तरह का होता है, एक स्टेप अप चॉपर एंड अदर इज स्टेप डाउन चॉपर, जो कि डीसी वोल्टेजेस को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है. तो सारे ऑप्शंस देख लिए, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 84. द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन लोडेड ट्रांसफॉर्मर. एक ट्रांसफॉर्मर जब ऑन लोड पे होता है तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? आंसर होगा इट डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड. अब इस ट्रांसफॉर्मर में हमने किस तरह का लोड लगाया है उस पे डिपेंड करेगा इस ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर. ओके, सपोज इस ट्रांसफॉर्मर से लोड 1, लोड 2 एंड लोड 3, तीन लोड कनेक्टेड हैं, तो इन सभी लोड का जो ओवरऑल पावर फैक्टर होगा वही कहलाएगा इस ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर. यदि ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी हो गया तो इस ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर होगा यूपीएफ. यदि ओवरऑल पावर फैक्टर इज लैगिंग तो ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर कहलाएगा लैगिंग. यदि ओवरऑल पावर फैक्टर इज लीडिंग तो ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर कहलाएगा लीडिंग. अब इन सारे पावर फैक्टर को वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेट करके देखते हैं. तो यूनिटी पावर फैक्टर अगर ओवरऑल पावर फैक्टर हुआ, इन दिस केस वोल्टेज रेगुलेशन विल बी पॉजिटिव. यदि लैगिंग पावर फैक्टर हुआ तो लैगिंग के केस में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी होगा या मैक्सिमम भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर फैक्टर. नेक्स्ट, अगर ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज लीडिंग देन वी कैन से दैट वोल्टेज रेगुलेशन इन दिस केस मे बी जीरो
मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव ऑल्सो। यदि क्वेश्चन में कहता है कि हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो ये क्लियर है इसके लिए हमें लीडिंग पावर फैक्टर का लोड होना ज़रूरी है। यदि हमें कहता है कि हमें नेगेटिव चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन या फिर हमें मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो इसके लिए भी लोड का लीडिंग इन नेचर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। ब्रीदर इज़ प्रोवाइडेड इन अ ट्रांसफार्मर टू, ये चार ऑप्शंस हैं। तो ब्रीदर क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ओके, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया है ब्रीदर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर, ऑप्शन ए कंडक्टिवली लिंक्ड, ऑप्शन बी इंडक्टिवली लिंक्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली एंड ऑप्शन डी मैकेनिकली लिंक्ड। इस क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर को स्पेसिफाई नहीं किया है, जस्ट कहा है अ ट्रांसफार्मर, यानी कि ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इन केस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इंडक्टिवली लिंक्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि क्वेश्चन में ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछता तो आंसर होता कंडक्टिवली एज वेल एज इंडक्टिवली लिंक्ड, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। ये कहता है हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन ए मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू वन हिस्टेरेसिस कॉन्स्टेंट के एच Bm to the power 1.6 multiply with F। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हिस्टेरेसिस कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ऑप्शन ए यस डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है। एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है हिस्टेरेसिस लॉस, हाँ इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें से रिलेक्टिविटी यानी कि ऑप्शन डी पे हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। इन विच ट्रांसफार्मर द टर्शियरी वाइंडिंग इज यूज्ड। तो आंसर होगा स्टार स्टार, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज प्राइमरी साइड स्टार, दिस वन इज सेकेंडरी साइड स्टार, एंड इन दोनों के साथ एक हम टर्शियरी डेल्टा कनेक्ट करते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में टर्शियरी डेल्टा यूज करने से क्या फ़ायदा होता है? टर्शियरी डेल्टा हेल्प करता है थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट को स्टेब्लिश करने में। ओके, इसलिए हम टर्शियरी डेल्टा यूज करते हैं। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? स्टार स्टार कनेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज, वी हैव फोर ऑप्शंस, ऑप्शन ए साइनसॉइडल, ऑप्शन बी नॉन साइनसॉइडल, ऑप्शन सी ट्रेपेजॉइडल एंड ऑप्शन डी स्टेप्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? नॉन साइनसॉइडल। नो लोड करंट क्या होता है? आई नॉट इज इक्वल टू आई सी कोर लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट प्लस आई फाई, यानी कि मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ करंट। इस आई फाई को आई एम भी लिख सकते हैं। ओके, यदि सिर्फ इस करंट के बारे में पूछा होता कि बताओ मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ करंट कैसा होता है, तो आंसर विल बी पीकी। ओके, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजेशन कर्व यानी कि बीएच कर्व के बारे में भी गिवन हो कि
BH कर्व अगर लीनियर हो तो वैसे केस में मैग्नेटाइजिंग करंट I5 विल बी साइनोसॉइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ। जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज होता है उसका विस्कोसिटी बहुत ही कम होना चाहिए, लो विस्कोसिटी। ये हेल्प करता है गुड हीट ट्रांसफर में। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स कैन बी यूज्ड इन पैरेलल ओनली व्हेन देयर वोल्टेजेस आर, एंड वी हैव फोर ऑप्शंस, ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी अनइक्वल, ऑप्शन सी जीरो एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा इक्वल, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन टू और मोर ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर वोल्टेजेस शुड बी इक्वल। यदि इनका वोल्टेज इक्वल नहीं होता है, यदि ट्रांसफार्मर ए का वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू ट्रांसफार्मर बी का वोल्टेज, इन दिस केस ह्यूज सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो विच कॉजेज एक्स्ट्रा पावर लॉस एंड अनइक्वल लोड शेयरिंग। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कहता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर, यस, एज ए कूलेंट, यस, बोथ इंसुलेटर एंड कूलेंट, एंड लास्ट वन इज इनर्ट मीडियम, यानी कि ऑप्शन सी बोथ इंसुलेटर एंड कूलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ व्हाट। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह ट्रांसफार्मर सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग से आइसोलेट करता है और यह वोल्टेजेस को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता है। ओके, तो इसलिए इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करते हैं दैट इज 1:1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। इट सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी डैश बट अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ देखिए, दिस इज ट्रांसफार्मर एंड दिस वन इज प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको सप्लाई दिए हैं अ साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स से विथ दिस पोलैरिटी। इसके कारण ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप होगा विच इज ऑल्सो साइनोसॉइडल इन नेचर, और इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होगा विच इज ई। दिस ई इज स्लाइटली लेस देन अप्लाइड वोल्टेज वी, या इसे हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। सो ऑप्शन बी ऑलमोस्ट इक्वल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। ये कहता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स यानी कि CT या फिर PT, करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्क्यूट। DC ओनली, AC ओनली, AC DC बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा
एसी ओनली, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ये कहता है कि द करंट इन द सर्क्यूट शोन बिलो इज 4 एम्पियर, देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इन द कोर, यानी ये पूछता है एच की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछता है व्हेन वाइंडिंग हैज 50 टर्न्स। और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 520, ऑप्शन बी इज 524, ऑप्शन सी इज 526 एंड ऑप्शन डी इज 528। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन क्या है, आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू 50, लेंथ ऑफ द कोर, मीन लेंथ ऑफ द कोर, यहाँ से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, इस फिगर में गिवन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 15 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर। तो मीन लेंथ कैलकुलेट करेंगे, वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 15 प्लस 4, यानी कि 19 इंटू 2, इट मीन्स 38 सेंटीमीटर। ओके, 38 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.38 मीटर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, एच इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय एल, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, एल इज द मीन लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लीकेशन विथ 4 एंड डिवाइडेड बाय 0.38। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा 526। ओके, 526 इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज एम्पियर टर्न पर मीटर। ओके, एम्पियर टर्न पर मीटर। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कभी कि बताओ भाई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होगा, एम्पियर टर्न पर मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। ये कहता है कि द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, यदि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स डेंसिटी को हाई रखेंगे तो क्या होगा, इट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, इससे क्या होगा, लेस आयरन विल बी यूज टू डिज़ाइन द कोर, मीन्स आयरन की रिक्वायरमेंट होगी बहुत ही कम, इसलिए ट्रांसफार्मर का वेट भी होगा कम और ट्रांसफार्मर का साइज भी कम होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो इसके कारण लेंथ ऑफ कॉपर वाइंडिंग इज ऑल्सो लेस, सो कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए रिड्यूसेस द वेट पर केवीए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। ये कहता है कि द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन, इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर वी इज इक्वल टू क्या होता है, √2 πf φm × n। सो फ्रॉम हियर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन
लोड लोड पर डिपेंड नहीं करता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99. द टाइप ऑफ ऑयल यूज इन ट्रांसफार्मर इज, जो ट्रांसफार्मर ऑयल हम यूज करते हैं वो होता है मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड द लास्ट क्वेश्चन. इन स्कॉट कनेक्शन इफ टर्न्स रेशियो ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इज के, देन द टीजर ट्रांसफार्मर हैज टर्न्स रेशियो ऑफ व्हाट. क्वेश्चन में कहता है कि स्कॉट कनेक्शन के केस में मेन ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो यानी कि ए मेन ट्रांसफार्मर का इज इक्वल टू के, देन टर्न्स रेशियो ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर यानी कि ए टीजर विल बी व्हाट. ए टीजर विल बी रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ के. ओके, यानी कि इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 0.866 टाइम्स ऑफ के. एंड केवीए रेटिंग ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर यानी कि एस टीजर विल बी इक्वल टू 0.866 टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर यानी कि रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर. ओके फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100. यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए. यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार कर आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.